पशुपति व्रत की महत्वता दर्शाए। अब पशुपति व्रत को समझ लेना, कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत पांच सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं अच्छे से समझ लेना, पांच सोमवार का व्रत है। आज अष्टमी का दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहां हो गई। पशुपति व्रत पांच सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ गई या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो और उस दिन सोमवार पड़ गया, अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है तो कौन सा व्रत करूं मैं, तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो, या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का कर, छठ का करती हो तो छठ का कर, नवरात्र के व्रत करती हो तो नवरात्र के कर। पांच व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो, उसमें चंदन अबीर गुलाल जो भी आप रखना चाहें, रौली चावल मूली जनेऊ पंचामृत चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर और शिव जी का पूजन कर आराधना कर भगवान शंकर से प्रार्थना करो, हे शिव जी, हे ओगड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करे। बाबा मेरा ये व्रत इस कार्य के लिए मैं कर रही हूं, आप स्वीकार करना, बाबा को निवेदन करना। पूजन का सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य हमें शाम को अलग से नहीं रखना, थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी काम। बाबा को निवेदन कर पूजा की थाली वापस ले आओ। शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ, छह दिए रखो थाली के अंदर घी के, और दिए रखकर मीठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं, पंचामृत स्नान की जरूरत नहीं है, शाम को तो केवल जल का छींटा दे दो, पंचामृत का छींटा दे दो, बाबा की पूजन करो। पूजन कर प्रसाद के पहले तीन हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाइए। फिर बाबा को कितने दिए लगाना है, जम के बोलो, पांच दिए लगाना है आपको। शंकर भगवान पांच दिए लगाइए, एक एक दिया जलाते जाएं और शंकर भगवान से पहले सोमवार को दिया जलाते समय अपने हृदय की बात कहते जाएं। पांच दिए पूरे हो जाएं, छठा दिया जलाना नहीं है, उसको थाली में वापस रख लेना। दिए को थाली से नीचे उतारना जरूर, कौन से दिए को, जम के बोलो जरा, छठे दिए को मंदिर में उतारना जरूर और फिर वापिस थाली में रख लेना है। प्रसाद दो हिस्से मंदिर में छोड़ना है, एक हिस्सा थाली में रख के ले आना। पूजन कर बाबा को निवेदन कर वापिस आइए। शाम को जब घर में प्रवेश करो सीधे हाथ की ओर, घर में अंदर जाते समय अपना जो राइट हैंड हो, अपना जो सीधा हाथ हो, उस ओर बैठो और बैठने के बाद उस दिए को प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, हमारा यह कार्य है सफल करिएगा। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन जब जीने के लिए बैठो, भोजन करने के लिए बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उस प्रसाद को खाइए। जो प्रसाद आप लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है आपको, अकेले खाना। उतना ही प्रसाद लेकर जाना जितना खब जाए, छोड़ना भी नहीं। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में भोजन करिए। इस व्रत में सुबह आप फलहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है, जब प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ तो वो एक हिस्सा आप खाओ, उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं मिर्ची का करो, पर उसमें दिखावा ना करो।
और भोजन करें। इससे पांचवा जब सोमवार आ जाए, बीच में अगर कोई सोमवार छूट भी जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना। कोई रजो धर्म आ गया, रजस वाला धर्म आ गया, कोई कार्य आ गया तो उसमें पूजन करना, पूजन नहीं करना है उसमें, व्रत जरूर करना। और जब पांचवा व्रत रहे, और पांचवा व्रत जब रहे तो उस पांचवे व्रत में जब सुबह पूजन करिया और शाम को पूजन करो, तो शाम को भगवान पर 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने, या बेलपत्र, या फूल की पत्ती, जो भी 108 चढ़ा सकते हो भगवान को चढ़ाकर, एक श्रीफल 11 रुपए उस पे रखकर शिव जी से निवेदन कर कर घर पर आ जाइए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है पांच सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, पांचवे तक पहुंचोगे। ये शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, आज के इस वीडियो में गुरुजी ने पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि बताई। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको पशुपति व्रत कैसे करना चाहिए और इसके व्रत के करने से क्या फल आपको मिलता है। पशुपति व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत है। यह व्रत करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे आपकी नौकरी से संबंधित मनोकामना हो, चाहे आपके बच्चों की शादी से संबंधित मनोकामना हो, चाहे आपकी व्यापार से संबंधित मनोकामना हो, चाहे आपकी किसी रोग से संबंधित मनोकामना हो, किसी भी प्रकार की अगर आपकी मनोकामना है तो पशुपति व्रत करने से अवश्य पूरी होती है। पर यह व्रत आपको पूरा नियम से करना होता है। अगर हम एक भी गलती कर देते हैं तो इस व्रत का फल हमें नहीं मिलता। इसलिए जब भी आप पशुपति व्रत करें तो सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लें कि आपको कैसे ये व्रत करना है। पशुपति व्रत आपको पांच सोमवार करना होता है। किसी भी सोमवार के दिन आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये व्रत लगातार करना है। मान लीजिए आपने पहले और दूसरे दो सोमवार लगातार कर लिए, तीसरे सोमवार आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाए तो अगला व्रत आप चौथे सोमवार कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि आपको पांच सोमवार संपूर्ण करने, पांचवें सोमवार आपको इस व्रत का उद्यापन कर देना है। उद्यापन भी बहुत ही सरल है, जैसा गुरुजी ने बताया है उसी विधि से अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में महादेव के नाम का एक जयकारा जरूर लगाएं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अंत में आप सबसे यही कहूंगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो कमेंट में पूरी डिटेल के साथ जरूर बताना, जिससे दूसरे लोगों को भी पता लगे कि किस उपाय से क्या लाभ होता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।